मधेपुरा में एसपी संजय कुमार के तबादले के बाद जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में शुद्धिकरण यात्रा निकाला है। शुद्धिकरण यात्रा निकाल रहे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान एसपी संजय कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किया। वहीं जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि भ्रष्ट पदाधिकारी के तबादले के बाद हम लोगों ने शहर का शुद्धिकरण करने के लिए शुद्धिकरण यात्रा निकाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं kositimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम बीपी मंडल चौक पर हैं और यहां जाप कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर को शुद्धिकरण किया जा रहा है, गंगा जल शुद्धिकरण किया जा रहा है शहर का। सबसे पहले तो हम सभी मीडिया पर पदाधिकारी को आभार व्यक्त करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के आंदोलन के आप लोग जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, इसीलिए जन अधिकार पार्टी की ओर से आपका कोटि कोटि वंदन है कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के खिलाफ और उदा किशनगंज के डीएसपी पूर्व डीएसपी सीपी यादव के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मुहिम छेड़ा था आप लोग ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, इसीलिए हम लोग आपका बधाई देते हैं, आपको आपका वंदन करते हैं। यहाँ के जो पूर्व डीएसपी सीपी यादव और यहाँ के जो एसपी संजय कुमार थे उनके समय में अपराध बढ़ा है, दारू माफिया के का गठजोड़ बढ़ा है, दारू माफिया के गठजोड़ से यहाँ के पूर्व एसपी दारू का कारोबार कराते थे, मधेपुरा को आतंक मिलाने का काम किए, यहाँ बड़े बड़े अपराधियों को पैसा लेकर के नाम छान देने का काम करते थे, यहाँ गरीबों को न्याय नहीं मिलता था, इसीलिए हम लोग जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के नेतृत्व में पूरे मधेपुरा में आंदोलन करने का काम किया, इसीलिए आज मधेपुरा को शुद्धिकरण करने का काम किए हैं कि मधेपुरा भूपेंद्र बाबू और बीपी मंडल के धरती को ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधीक्षक कलंकित करने का काम किया है। हम मांग करते हैं कि ऐसा कभी भी पुलिस अधीक्षक भ्रष्ट ऐसा नहीं आवे, ऐसा पुलिस डीएसपी नहीं आवे जो मधेपुरा को कलंकित करने का काम करे, हम लोग यही मांग करते हैं और इस नए एसपी साहब से मांग करते हैं गरीबों को न्याय मिले और उचित कार्रवाई करे, अपराध पर रोक लगे, हत्या पर रोक लगे, दारू माफिया को शिकंजा कसा जाए, यही हम मांग करते हैं। प्रशासन के द्वारा दारू नहीं बिकाया जाए, बस प्रशासन के द्वारा दारू नहीं बेचवाया जाए, जितना भी प्रशासन का आपको पेट्रोलिंग पार्टी है वहाँ से सबका अवैध वसूली किया जा रहा है, मोनू सागर बोल रहे हैं बस। तो जिस तरह से मधेपुरा के शुद्धिकरण किया जा रहा है जन अधिकार पार्टी के द्वारा, हमारे साथ है जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद के जिला अध्यक्ष, क्या कहना चाहेंगे? नए एसपी साहब आए हैं, सबसे पहले उसको बधाई समाजवाद की धरती पर। और पुराने जो एसपी थे मधेपुरा में हत्या डकैती लूट अपराध चरम सीमा पर था, लेकिन उस सब से छुटकारा पाकर उस सब पे विधि व्यवस्था पर उनका कोई अंकुश नहीं था और ये मधेपुरा के स्थानीय प्रशासन के द्वारा को स्थानीय लोगों के द्वारा को तंग किया जा रहा था चालान के नाम पर, हेलमेट के नाम पर, इसीलिए हम लोग विगत दिनों पहले विरोध किए थे। और अभी जो हम लोग जो पुराने भ्रष्ट जिसमें हत्या जैसे जैसे संगीन अपराध में बिना पैरवी कराए बिना अति क्या ही उसका नाम छट जाता था, ये दुर्लभ था, मधेपुरा के लिए एक भार था, आज वो कल मधेपुरा से विदा लिए हैं, इसी के लिए हम लोग आज शुद्धिकरण किए हैं, जो एक मधेपुरा का भार टला। नए एसपी को स्वागत एवं अभिनंदन हम लोग बुद्धि बाबा सिंह सर से कामना करते हैं, इनको सद्बुद्धि दे और गरीब गुरुआ के हितों में काम करें। तो लगातार जिस तरह से गंगा जल से शहर का शुद्धिकरण किया जा रहा है, इन लोगों का आरोप है कि जो पहले एसपी संजय कुमार थे उनके कार्यकाल में अपराध चरम सीमा पर था, लोगों से शराब माफियाओं का उनका गठजोड़ था और जन अधिकार पार्टी के द्वारा लगातार उसको लेकर आंदोलन चलाया गया था और आखिरकार एसपी संजय कुमार का तबादला हो गया है और नए एसपी योगेंद्र कुमार ने योगदान भी लिया, 24 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की है। और इधर जन अधिकार पार्टी की ओर से लगातार सड़क पर आकर आज शहर का शुद्धिकरण किया गया है। बहरहाल आप देखते रहिए कोसी टाइम्स, रविकांत को दीजिए इजाजत। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।